पता है कि अमीर लोगों के घर पर डस्टिंग क्लोथ होता है, अलग से कपड़ा खरीदते हैं वो लोग। उनके घर में ऐसा नहीं है कि बाप की बनियान फाड़ दी। ये हमारे घरों में ही चल रहा भाई, कि मुझे पता ही नहीं थी। वो लोग ऐसे बाहर जाते हैं, खरीदते हैं अलग से कपड़ा। हमारे घर में ये कुछ भी हो, बाप की बनियान फाड़ दो। मिडिल क्लास घरों में यही चल रहा है। नहीं, ऐसे पहले से फाड़ के रखते हैं मैम। मैम को लग रहा ऑन द स्पॉट ही फाड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर दाल गिरी इधर मम्मी आगे गया जा। छोटे होते से ना हमारे घर में बनियान से इतनी सफाई होती थी, मुझे लगता था बनियान होती ही सफाई के लिए। सही में एक बार मैं स्कूल से घर गया तो मैंने देखा मेरी काम वाली दीदी ना घर की सफाई कर रही है एक नॉन बनियान कपड़े से। तो मैंने दीदी को देख के सोचा सिली नादान कहीं की, संसार के सच से परी है बेचारी। तो भाग के पापा के कमरे में गया, पापा की बनियान लेके आया दीदी मौज लो। भाई दीदी गुस्सा ही करने लग गई और गुस्सा करते डांटने लग गई मेरे को एकदम से। फिर डांटते डांटते पापा के पास चली गई, पापा को डांट रही है, कह रही है क्या तुमने रजत को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। ये जोक शाइनी आहूजा के बेटे ने लिखा है। मुझे जोक करने में बहुत मजा आता है भाई, क्योंकि मेरे पापा बहुत शरीफ आदमी है। वो दिल्ली में बैठे मटर छील रहे हैं और यहाँ अनजान लोग मेरे पापा के चरित्र पर शक कर रहे हैं कि काम वाली दीदी। मैं अपनी परवरिश का बदला ऐसे ही ले रहा हूँ। और भाई मैंने पता है जब छोटे होते आपको कोई चीज सिखाई जाती है ना आपके कॉन्सेप्ट बिगड़ जाते हैं। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ने एक बार मेरी अमीर गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, उसने मेरे को एक बार अपने घर पे डिनर पे इनवाइट किया। तो ऐसे हम सब लोग टेबल पे बैठे हुए हैं, उसकी अमीर मम्मी ने मेरे से कहा बेचे कैन यू प्लीज पास मी द डस्टिंग क्लोथ। तो सबसे पहले तो मैंने उसके बाप को देखा, फिर मैंने उसके बाप की बनियान को देखा, फिर जैसे ही मैंने उसके बाप की बनियान पे हाथ डाला वो पूरे परिवार ने कोरस में गाली दी है मुझे, दादी समेत। भाई मैंने पहली बार किसी साउथ दिल्ली की महिला को कहते हुए सुना तेरी जात का पैदा मारूं। मुझे कह रही जिसकी थाली में खाता उसकी बनियान में छेद करता। शेम ऑन यू भाई। लेकिन छोटे होते आपके कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं ना यार। एक सीन क्या है कि मम्मी जो है ना, मम्मी पापा के कपड़ों को डस्टिंग क्लोथ में बदल देती है लेकिन पापा को बताती नहीं है। तो कई बार पापा डस्टिंग क्लोथ पहन के बाहर चले जाते हैं। हाँ, उन्हें ऑफिस जाके एहसास होता है कि अच्छा ये मीटिंग वाली शर्ट नहीं रही है, अब ये दिवाली की सफाई का कपड़ा है। हाँ, मेरे पापा कई बार हैरान हो जाते कि नाभी में मकड़ी का जाल कहाँ से आया और उसके अंदर राजमा क्या कर रहा है। भाई मेरे पापा के जो ऑफिस कलीग है ना वो मेरे पापा से खौफ खाते हैं, उन्हें लगता है ये आदमी जादू टोने करता है। हाँ, वो उन्हें लगता है कि ये आदमी नाभि में पैदा होने वाली रुई से मकड़ी के जाले बनाता है। हाँ, वो भाई वो खौफ में रहते हैं उनको एकदम से। मेरे पापा के जो बॉस थे वो डरते थे मेरे पापा से, वो कहते थे आपको जब छुट्टी लेनी हो ले लेना, बस मुझे राजमा बल बना देना आप, मुझे जिंदगी जीनी है अपनी। तो पता है अभी जैसे पापा की ना बनियान चोरी हो गई, हमारे इलाके में होता है ये सब। हाँ, कॉमन है सर हमारे इलाके में, ठीक है। तो मम्मी को नया डस्टिंग क्लोथ चुना था, तो मम्मी ने चुना पापा का कच्चा, पापा का कच्चा, और उससे डाइनिंग टेबल साफ कर दिया। खिड़की दरवाजे नहीं सर, डाइनिंग टेबल साफ कर दिया। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी दाग अच्छे हैं पर हर जगह के थोड़ी। आप लोग समझ नहीं रहे हो, हमने एक बार बालकनी में सुखाने डाल रखा था, ठीक है भाई, उसमें इतना बड़ा छेद था, मैंने छेद से सूर्य नमस्कार किया है। मजाक नहीं कर रहा, मम्मी ने कई बार करवा चौथ का व्रत तोड़ा उससे। एक बार तो चांद ने निकलने से मना कर दिया गरबा, यार कहीं से भी देखते हैं ये लोग, मेरी भी कुछ इज्जत है। मैंने उस कच्चे को देख के समझा कि ब्लैक होल क्या होता है। मैं ऐसा था कि हाँ यहाँ कुछ जाएगा तो वापस नहीं आ सकता। हाँ, जैसे पहले उस टेबल पर कुछ गिर जाता था ना तो मैं खा लेता था। मैंने भाई आपके घर का टेबल है सर, आपको लगता है अरे चाहिए मम्मी ने अच्छा बनाया होगा खा लेते हैं, अनाज का अपमान नहीं करना चाहिए, सब कर लेता था भाई। जब से मैंने उस कच्चे की हालत देखी है भाई, मैं भूखा रहना पसंद करता हूँ। मैं उस दिन कसम से उस दिन रसगुल्ला गिरा मैंने उठाया गुलाब जामुन था। सही में वो यही काम करता है वो टेबल भाई, वो रंग और रूप बदल देता है चीजों का। अगर गिरेगा गंगाधर उठेगा शक्तिमान।
ऐसा है उस टेबल में अभी, मम्मी मैं उसे खाना खा रहा हूँ टेबल पे, मम्मी आई कह रही है पराठा है, पराठा गिर गया टेबल पे, मैंने मैं नहीं खाऊंगा, खाली खाली मैं नहीं खाऊंगा, कह रही खाली खाली, मैं नहीं खाऊंगा अब ये पराठा नहीं, कह रही खाली खाली मक्खन लग गया, मैंने कहा गंदी बातें नहीं होंगी इस घर में ये सब। और पता है ऐसा नहीं है सर, हमने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया इस चीज का, हमने हम तीनों भाई बहन धरने पर बैठे थे, हमने नारे लगाए गो बैक गारमेंट गो बैक भाई, फिर मुझे लगा शायद इंग्लिश में मम्मी को नारा चमक नहीं रहा है, मैंने हिंदी में नारा लिखा, मैंने कहा ना टीवी चलेगा केबल पर ना कच्चा लगेगा टेबल पर, देख रहे हो आप एकदम एजेंडा क्लियर है भाई, मम्मी को नहीं चमका ये भी, मेरी बहन ने तंग आके नारे लिखे कि 1 2 3 4 कच्चा फेंको घर से बाहर, मम्मी उल्टे नारे लगाने लगी 1 2 3 4 तुम्हें फेंकूंगी घर से बाहर। और पता है मम्मी कहना इस पे सिर्फ एक ही लॉजिक रहता है, आप कितना भी आर्गुमेंट कर लो ना मम्मी का लॉजिक रहता है कि धो दिया है मैंने अपने हाथों से धो दिया, मैं धो के रहेगा तो कच्चा ही सिल्की साड़ी थोड़ी बन जाएगा है, ये तो वही बात होगी कि गूं खा ले मैंने टप्पर वेयर की डिब्बी में डाल दिया है, अरे भाई गूं के ऊपर चेरी डाल दो ब्राउनी थोड़ी बन जाएगी, अरे रहेगा तो गूं ही भाई उसमें। और मम्मी इतनी इतनी कॉन्फिडेंट है ना इस चीज को लेकर, ऐसे काम वाली दीदी को बोल देती है कि डस्टिंग क्लोथ बाहर सूख रहा है, एक बार तो मेरी काम वाली दीदी बोल पड़ी कि भाभी अनपढ़ हूं अंधी नहीं रोज दिखता है किससे सफाई करती हूं मैं, एक दिन दीदी तंग आकर अपना डस्टिंग क्लोथ ले आई हमारे घर के लिए, मगर दीदी ये क्या है, कह रही ये मेरे पति का कच्चा लगा मेरे पापा का यूज होगा यहाँ पे, टेढ़ा है पर मेरा है मैंने ना इसका सोचा फाइनली मेरे को इसका सोल्यूशन निकालना है, तो मैंने लिनन का कपड़ा खरीदा 1700 रुपए का और मैंने मम्मी को गिफ्ट किया, मैंने कहा मम्मी आगे से डस्टिंग का जितना भी काम होगा इससे होगा, लेकिन सब तब तक मम्मी एडिक्टेड हो चुकी थी, तो सबसे पहले मम्मी ने उस लिनन के कपड़े का पापा का कच्चा बनाया फिर उसने 3 छेद किए फिर उससे सफाई करी भाई, फिर भी गरीब मजा नहीं आ रहा पापा का ओरिजिनल बना लिया, मैंने कहा रहने दो यार धो दिया है मैंने धो दिया क्या। अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है ना वैसे वैसे आपको एहसास होता है कि जैसे घर वालों के कुछ फैसले ऐसे थे जो ना आपको पहले नाराज करते थे, आपको गलत लगते थे, खराब लगते थे, लेकिन उम्र के साथ साथ ना आपको समझ में आता है यार उस हर फैसले के पीछे एक नेक सोच थी कि यार हमें अपने परिवार की तरक्की करानी है ना, बच्चों का फ्यूचर बेहतर करना है, उनके उनके लिए पैसा बचाना है। तो मैं तब एक शेर लिखा दोस्तों, अगर आप लोग इजाजत हो तो मैं सुनाऊं शेर, कुछ यूं था कि तरक्की की किताबों में कभी शामिल नहीं होते, कि तरक्की की किताबों में कभी शामिल नहीं होते, अगर माँ बाप ना होते तो हम काबिल नहीं होते।